आप सभी को फिर से अपना चैनल डेस्टिनी फैक्ट पे स्वागत है। दोस्तों आज हम जानते हैं दुनिया का खूबसूरत देश ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप और पृथ्वी का बड़ा देशों में से एक है। दक्षिण गोलार्ध में प्रशांत और भारतीय महासागर के बीच में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, जो सिडनी और मेलबोर्न आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के बीच में बसा है। ऑस्ट्रेलिया का मुख्य भूमि लगभग 4000 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर क्षेत्र तास्मेनिया द्वीप से दक्षिण छोर तक 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है और उत्तर में पापुआ न्यू गिनी के दक्षिण तक फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया को इंडोनेशिया से उत्तर, पश्चिम में ग्रेट बैरियर रीफ से उत्तर में पापुआ न्यू गिनी से अलग किया है। ऑस्ट्रेलिया को सबसे पुराना महाद्वीप, भूमि का अंतिम और अंतिम सीमांत कहा गया है। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रति दुनिया के आकर्षण को दर्शाता है। साधारण भौतिक शब्दों में अधिकांश महाद्वीप के आयु निश्चित रूप से प्रभावशाली है, लेकिन यूरोप और उत्तरी अमेरिका के व्यापक क्षेत्र का इतिहास पिछले युग के बाद के घटनाओं और प्रक्रियाओं से प्रभावित हुआ है। लगभग पिछले 25,000 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिक अधिक व्यापक समय सीमा का उपयोग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया इस अर्थ में अंतिम भूमि है कि यहाँ अंटार्कटिका के अलावा यूरोपियन के द्वारा खोजे जाने वाले अंतिम महाद्वीप था। यूरोपियन खोजकर्ताओं के दक्षिण प्रशांत में जाने से कम 60,000 साल पहले खोजकर्ता आदिवासी एशिया से आए थे और 20,000 साल पहले तक वे पूरे मुख्य भूमि और उसके मुख्य द्वीप तास्मेनिया में पहले रहा करते थे। जब ब्रिटिश रॉयल नेवी के कैप्टन आर्थर फिलिप 1750 में ऑस्ट्रेलिया को खोज किया तो तभी वहाँ 25 लाख से 50 लाख लोग रहा करते थे। दोस्तों अब जानते हैं यहाँ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भूगर्भिक रिकॉर्ड के सबसे पहले ज्ञान मेटासेडिमेटिक चट्टानों में जिक्र के 4.4 बिलियन पुराने हानिकारक अनाज है, जो 3.7 से 3.3 बिलियन वर्ष से जमा किए थे। लाखों वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया पंजीय के महाद्वीप और बाद गोंडवाना का हिस्सा था। इसके अलग अस्तित्व के अंत में तास्मेनिया और अंटार्कटिका के बीच अंतिम संबंध को विच्छेदित करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन ये दक्षिण पूर्व एशिया के भूभाग में बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया सबसे समतल महाद्वीप है और अंटार्कटिका को छोड़कर सबसे शुष्क महाद्वीप है। हवा से देखा जाए तो इसका विशाल मैदान कभी कभी सूखे खून का रंग, अक्सर शेर के खाल की तरह पीला विशाल रेगिस्तान प्रतीत हो सकता है। कोई भी शहर या कुछ भी देखे बिना उत्तर में डार्विन से सिडनी या पश्चिम में पर्थ से सिडनी तक लगभग 2000 मील कई उड़ान भर सकते हैं, लेकिन विशाल हिस्सों के लिए मानव निवास के सबसे बिखरे और मिन्नत कर सकते हैं। 1970 के ऑस्ट्रेलियाई विरासत आयोग अधिनियम ने सूचीबद्ध स्थानों के राष्ट्रीय संपदा में रुचि रखते हैं और यहाँ का द ग्रेट बैरियर रीफ यूनेस्को के पट्टी में अपनी जगह बना चुकी है। दोस्तों जानते हैं अब यहाँ की इकोनॉमिक के बारे में। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था कृषि और विदेशी निवास पर निर्भर करती है और यहाँ की अर्थव्यवस्था 20वीं सदी के अंतिम सदी में गिरावट के कारण विदेशी अर्थव्यवस्था की हस्तक्षेप हुई, यानी कि यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और जापान जैसे दुनिया के बड़े आर्थिक मजबूत देश को हस्तक्षेप हुआ। जानते हैं यहाँ की गवर्नमेंट के बारे में। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, जिसे गंभीर रूप से यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान के मिश्रण के रूप से जाना जा सकता है, सन 1900 में अपनाया गया था और 1901 में रचा गया था और ये ब्रिटिश समर्थ के साथ एक संवैधानिक और राजतांत्रिक की स्थापना की। ऑस्ट्रेलिया वहाँ के राज्य के सरकार के साथ यूएसए के समान ऑस्ट्रेलिया एक संघ है। अधिक तौर पर ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल सबसे छोटा महाद्वीप और पृथ्वी का छठा बड़ा देश माना जाता है और प्रशांत और हिंदू महासागर के बीच स्थित है। क्षेत्रफल यहाँ का 80 लाख वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या 25 करोड़ और यहाँ की राजधानी कैनबरा है और अधिकतर ऑस्ट्रेलियाई यूरोप लोग के वंशज है और यहाँ की अधिकतर भाषा इंग्लिश बोली जाती है और यहाँ का धर्म ईसाई है। इनमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट भी है और इनके साथ बौद्ध धर्म और इस्लाम भी है और यहाँ की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया में 3 प्रकार भौगोलिक क्षेत्र है और इसकी आधे से अधिक क्षेत्र पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई पत्थरों पर बसी हुई है। यहाँ के तट के साथ कई द्वीप और चट्टाने हैं
जिनमें द ग्रेट बैरियर रीफ, मालावी द्वीप, कंगारू द्वीप और तास्मेनिया भी शामिल है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया कोयला, पेट्रोलियम और यूरेनियम सहित खनिज संसाधनों का भंडार है। 1980 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक विशाल हीरे का भंडार पाया गया है। देश की अर्थव्यवस्था मूल रूप से मुक्त उद्यम है। ऑस्ट्रेलिया लंबे समय से आदिवासी द्वारा बसा हुआ है, जो कम से कम 50,000 साल पहले आने लगे थे। ऑस्ट्रेलिया का व्यापक यूरोपियन ज्ञान 17वीं शताब्दी के अन्वेषण के साथ शुरू हुआ था। सन 1616 में डच आए और 1680 में अंग्रेज आए, लेकिन 1770 में जेम्स कुक का पहला बड़े पैमाने पर अभियान था, जिसने ऑस्ट्रेलिया पर ब्रिटेन का दावा मजबूत किया था। और यहाँ का राष्ट्रीय प्राणी कंगारू है, जो पूरे दुनिया में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में देखा जा सकता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दुनिया में बसा महाद्वीप के साथ दुनिया का खूबसूरत देश है। यहाँ है कि लोग अपने देश को बहुत इज्जत के साथ गर्व से अपना घर मानते हैं। दोस्तों, ये है कुछ अद्भुत जानकारी ऑस्ट्रेलिया के बारे में। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपनी आने वाली वीडियो आप सभी को पहले पहुंच जाए। अपना चैनल डेस्टिनी फैक्ट।